morning, everybody. Morning. Morning. Yeah, hi. Please, have a seat. कैसे हैं आप लोग? All doing good? अरे मैं बाहर वॉशरूम में था तो वो मिल गया मेरे को. क्या नाम है आपका? मैं ऐसे मतलब ऐसे खड़े होते हैं वॉशरूम में. आई वाज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू मी. कहता सर आप यहाँ पे, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था. मैं भी. चलिए जी शुरू करते हैं आज के सेशन को. सर मैं ये पूछना चाहती हूँ, लाइक व्हेन वी सेट अ ड्रीम एंड व्हेन दैट ड्रीम कैन नॉट, वी कैन नॉट कंप्लीट दैट ड्रीम, तो सर जो उसका सेटबैक होता है, बार बार वो फेलियर याद आता है, हाउ टू गेट रिड ऑफ दैट पास्ट एंड दैट थिंग दैट वी हैव फील इन दैट थिंग, व्हाई वी हैव डन लाइक दैट, कि पास्ट में हमने कुछ किया पूरी दुनिया के अगेंस्ट जा करके, या अपना कोई डिसीजन लिया कि मुझे ये सही लग रहा है, लोगों ने मना भी किया फिर भी हमने किया और उसमें हम फेल हो गए, और वो बार बार हमको अपना वो फेलियर याद आ रहा है. नहीं भी आ रहा तो दुनिया हमको याद दिला रही है आ करके, है ना. जैसे ही हम कुछ और करने के बारे में सोचते हैं तो लोग हमको वाला फेलियर याद दिला देते हैं कि तेरे बस का कुछ नहीं है, वो देख पहले भी तूने किया था, क्या हुआ. तो बाहर से भी हमारे ऊपर अटैक हो रहा है और अंदर भी हमारे ऊपर अटैक हो रहा है. चलो बाहर से जो अटैक हो रहा है उसको तो आप फिर भी हैंडल कर सकते हो, उनसे लड़ लो झगड़ लो तो वो भी कहेंगे यार क्या लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, छोड़ो बात मत करो इनसे इसके बारे में. बट अंदर जो अटैक हो रहा है उसको कैसे हैंडल करें, राइट. सारा खेल यही है कि हमारे अंदर हर वक्त कई तरह के अटैक्स चलते रहते हैं, उससे कैसे बचोगे. आप चाहे पहाड़ पे चले जाओ, चाहे मूवी देख लो, चाहे कुछ भी कर लो, कुछ देर के लिए आप उसको भूल सकते हो, ठीक है ना. दारू पी ली कुछ देर के लिए, भूल गए, फिर याद आ जाएगा. जैसे ही होश में आओगे फिर से याद आ जाएगा, सारी बातें दिमाग में घूमने लग जाएंगी. तो खुद से कैसे बचे, समझ रहे हो. यहां पे जो लिखा हुआ है ना सेल्फ रिफ्लेक्शन, इसका मोटिव यही है कि मेरे सारे सेशंस का एसेंस क्या है. ये नहीं है कि बाहर की दुनिया से कैसे लड़ना है, अंदर की दुनिया से कैसे लड़ना है, अंदर जो हमारे गड़बड़ हो रही है उसको कैसे हैंडल करना है, अंदर जो अटैक्स होते रहते हैं थॉट के लेवल पे हमारे ऊपर उसको कैसे फेस करें. क्योंकि अगर आप उसको फेस कर गए तो बाहर आपके लिए फेस करना क्या बड़ी बात है, समझ गए ना. और एक्चुअल में बाहर कोई अटैक होता नहीं है, होता अंदर ही है. बाहर अगर कोई आपको कुछ बोल भी रहा है तो अल्टीमेटली चॉइस आपके हाथ में है कि उसका असर आपके ऊपर हो या ना हो, अगर इस बात को हम समझ पाए तो. आप चाहो तो अपने मन में बोल दो अरे ये तो है ही ऐसा, समझ गए, असर होना बंद. आपको नहीं इसने ऐसा क्यों बोला तो असर ज्यादा होगा. जैसे कोई अगर कोई आपको पता है कि कोई पागल है, वो आकर के आपको कुछ भी बोल के चला जाएगा, तो क्या उसके उसके बारे में आप बैठ करके सोचोगे 10 दिन तक कि उसने मुझे ऐसा क्यों बोला. तो किसी का बेसिक नेचर है उल्टे सीधे काम करना, या उल्टा सीधा आपको बोलना, या आपको तंग करना. तो अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ठीक है उसका बेसिक नेचर है, कोई बात नहीं, तो जैसे आप अंदर से बोल देते ना कोई बात नहीं, कि क्या फर्क पड़ता है, उसका जो नेचर है उसका है, मेरा जो नेचर है मेरा है, तो उसका असर आपके ऊपर होना बंद हो जाता है. ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, बट ये एग्जैक्ट आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं है. जो आंसर है वो ये, डू यू पीपल वांट कि इस क्वेश्चन को मैं टच करूं डीपली, कि हमसे कोई गलती हो गई, अब वो गलतियां क्या हो सकती है. गलतियां हो सकती है रिलेशनशिप से रिलेटेड, ये तो बहुत ज्यादा हो रही है आजकल गलतियां. फेसबुक से गलतियों की शुरुआत होती है, फिर पता नहीं गलतियां कहां की कहां पहुंच जाती हैं, है ना. अब वो रिलेशनशिप खत्म हो गई, अब आप उसके बारे में सोच रहे हो तो आपको अपने ऊपर ही गुस्सा आ रहा है, ऐसे ही होता है ना, कि मैंने ये कैसे कर दिया, मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हूँ, मैं कितनी बेवकूफ हूँ, ऐसी ऐसी चीजें आती हैं माइंड में. हाँ, कि मैं तो समझ नहीं पाती हूँ चीज़ों को. नहीं, कोई बात नहीं, क्योंकि समझ एक दिन में डेवलप नहीं होती है, धीरे धीरे होती है. कोई माँ के पेट से समझदार नहीं निकलता है, राइट. जब ऐसे कुछ एक्सपीरियंसेस होंगे और उन एक्सपीरियंसेस से आप सीखोगे तभी तो आपको समझदार कहेंगे. जिसकी लाइफ में जितनी ज़्यादा गड़बड़ हुई होगी और अगर उसने उससे सीख लिया है तो वो उतना ही समझदार है. विजडम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर फेलियर्स एंड सेटबैक्स एंड योर पावर ऑफ ओवरकमिंग इट. इसको ध्यान से समझ लो. तो जो भी गड़बड़ हुई है आपकी लाइफ में, चाहे वो रिलेशनशिप से रिलेटेड हो या किसी से भी रिलेटेड हो, उसको पहले तो सबसे पहले तो एक्सेप्ट कर लो कि हाँ ठीक है गड़बड़ हुई है, एंड ट्राई टू लर्न फ्रॉम इट. तो हो सकता है आपको जवाब मिले कि कहीं मैंने कमिट करने में
जल्दीबाजी तो नहीं करती थी इस रिलेशनशिप में, मे बी कि चार दिन की रिलेशनशिप थी और मैंने फटाफट से डिसीजन ले लिया, तो इससे आपने क्या सीखा कि आप जल्दी में कोई डिसीजन नहीं लेना है लाइफ में, स्पेशली बड़े डिसीजंस तो बिल्कुल भी नहीं लेने हैं। कौन सा कपड़ा खरीदना है कौन सा नहीं खरीदना है ये तो आप जल्दी में भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 10-20 रुपए महंगा भी खरीद लिया कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम क्या है वहां पर पूरा टाइम लगाते हैं, 10 दुकानों में जाएंगे ट्राई करेंगे, 100 रुपए के पीछे पता नहीं कितनी किचकिच करेंगे, 100 रुपए भी मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, 20-20 रुपए के पीछे कितनी किचकिच करेंगे, और लाइफ के जो बड़े डिसीजन है वो कैसे लेते हैं हम? बहुत सारे लोग तो लेते नहीं हैं, उनके लिए वो डिसीजन कोई और ले लेते हैं, करियर का डिसीजन, रिलेशनशिप्स का डिसीजन, ये वो लेते हैं तो जल्दी में ले लेते हैं, होता है ना? स्पेशली हमारे इंडिया में बड़ा चलता है जिसको अरेंज मैरिज बोलते हैं। आई एम नॉट अगेंस्ट अरेंज मैरिज, इट इज़ अ वेरी 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 क्या कहूँ, वेरी नो कमेंट्स। तो जो भी है, अरेंज मैरिज में क्या गड़बड़ मुझे लगती है, मुझे जो जेन्युइनली बता रहा हूँ जो मुझे गड़बड़ लगती है वो क्या है कि लड़का लड़की मिले और दोनों तरफ से प्रेशर आना शुरू हो गया, अरे बहुत बढ़िया है, अरे बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, तू हाँ कर दे, और उसने हाँ कर दी, ठीक है बढ़िया है, मतलब कि घर वाले जो हैं उनको बढ़िया लग रहा है या लग रही है। आप तो थोड़ा तो टाइम लगाओ, एक घर खरीदते हैं कितना टाइम लगाते हैं, गाड़ी खरीदते हैं कितना टाइम लगाते हैं, यहाँ कुछ खरीद नहीं रहे हो माना, लेकिन एक बहुत बड़ा डिसीजन है अपनी लाइफ का, इनफैक्ट सबसे बड़ा डिसीजन है। गाड़ी गलत ले ली तो उसका सोल्यूशन है, कबाड़ी को दे सकते हो, ये पति को किसको कबाड़ी में दोगे? जब भी कोई बड़ा डिसीजन लेना हो इसको पकड़ के रखो, दिस इज कॉल्ड विजडम। ये मैं कहाँ से बोल रहा हूँ, शायद अगर आज से आप 20 साल पहले मेरे से ये सब बातें करते तो मैं नहीं बोल सकता था ये सब। मैं क्या कहता, अरे करो 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 करो, पीने का मन करा लगा दो बियर लगा, ये करो बाइक ना लिटा के मोड़ेंगे, मैंने सारे काम करे हैं, ऐसा नहीं करे हैं, लिटाए भी और कई बार खुद भी लेट गया, और पीछे वाला कहता है यार मैंने क्या गलती कर दी, तो मुझे ऐसे ही ठोकता रहता है, आप समझ रहे हो? तो ये सब काम मैंने करे हैं, तो वो करके मैं अब आपको बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा मत करो, मैं कह रहा हूँ समझ लो कि ये करने से क्या होगा, नहीं करने से क्या होगा, और कर भी दिया तो उसे सीख लो, ग्रो आउट ऑफ इट। मैं ये नहीं कह रहा गलतियां मत करो, अरे मैंने खुद बहुत गलतियां करी है तो मैं आपको कैसे बोलूंगी गलतियां मत करो, गलतियां करो बट लर्न फ्रॉम इट, सही काम करो लेकिन उसमें चिपके मत रहो कि मैंने पता नहीं क्या उखाड़ लिया, समझ गए, मैंने ये सही काम कर लिया, मेरी फैमिली में और जो लोग हैं वो नहीं कर पाए, व्हाटएवर आपने टॉप कर दिया कहीं पर, तो अपनी ईगो को मत बढ़ाओ, ग्रो आउट ऑफ इट, ठीक है, क्या फर्क पड़ता है? मिल रहा है आपको जवाब? मिल रहा है? एक बार मैं इसको थोड़ा और डीपली टच करता हूं, तो जब भी हमारे अंदर से ये आता है कि हम पुरानी सिचुएशंस के बारे में सोच सोच करके दुखी हो रहे हैं, तो उससे सीखो, गो इनटू द रूट कॉज ऑफ इट, ताकि वो जो गलती आपने करी वो दोबारा मत करो, दैट इज इंपॉर्टेंट। पहली बार, अब देखो कितनी मजेदार चीज निकल के आ रही है बात करते करते, पहली बार अगर आपने लाइफ में कोई भी गलती करी है तो वो गलती नहीं है, समझ गए, अनजाने में करी है तो वो गलती नहीं है, लेकिन उसी गलती को आप बार बार कर रहे हो, ये गलती है। मुझे एक चीज की नॉलेज ही नहीं है और मैंने सही सोच करके किया लेकिन मेरे साथ में गलत हो गया, ये गलती नहीं है। कुछ भी नया करेंगे तो उसमें सही और गलत होने की तो पॉसिबिलिटी रहेगी ना, सक्सेस फेलियर की तो रहेगी ना, तो आप फेल हो गए इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन उस फेलियर से कुछ सीख नहीं रहे हो और दुखी हो रहे हो, ये गलती है, ये ब्लंडर है। अपनी गलतियों के बारे में सोच सोच करके आप दुखी हो रहे हो, रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, ये गलती है। कोई भी गलती आपकी लाइफ की इतनी बड़ी नहीं है कि वो आपके ऊपर हावी हो सके, हमेशा अपने अंदर इस बात को याद रखना है, मेरी लाइफ की जितनी भी बड़ी से बड़ी गलतियां हैं मैं उससे बड़ा हूं, अपने आप को ये बोलो। आप कितनी भी बड़ी गलती कर लो, ये यूनिवर्स इतना बड़ा है कि आपकी गलती को एब्जॉर्ब कर जाए। अगर आप यूनिवर्स के एंगल से देखोगे तो आपकी गलती बहुत छोटी लगेगी जिसको आप बड़ी समझ रहे हो। कोई भी गलती बहुत बड़ी नहीं है, कोई भी गलती इतनी बड़ी नहीं है जिसको माफ ना किया जा सके, चाहे फिर वो आपने करी चाहे किसी और ने करी। तो गलतियों से सीखो, सीख करके क्या होगा, आप धीरे धीरे मैच्योर होते चले जाओगे, अंदर से स्ट्रांग होते चले जाओगे। ये दोनों चीजें तभी होंगी जब आप सीखोगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक गलत रिलेशनशिप में एंटर करके ये सीखा कि मुझे पेशेंस रखना है।